और आज के व्लॉग में पता नहीं है क्या ही चीज़। ये देखो तो गाइज, अब आज एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब दिल दहला देने वाली थी। वो तो हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस था तो हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पता लगा, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं उनकी तो हड्डी हिल जाती होगी ऐसे टाइम पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो एक और नया एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं मैं। और बताना कि पिछला व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर सब्सक्राइबर्स जो हमारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो ताकि 1000 जल्द से जल्द हो जाए। दूसरी तरफ मोटी रानी हमारी जो है वो हो चुकी है, मतलब हो रही है तैयार ऑफिस जाने के इरादे से। टाइम हो चुका है 9:18 और यहाँ की बात करें तो बुन्नू फिलहाल उठ चुका है ना मेला बुन्नू। मैगी के साथ अनस हो रहा है, बुन्नू उठ चुका है। बाहर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ मैं हल्के बोल रहा हूँ क्योंकि रोहित सोया हुआ है। ये देखो है ना माहौल एक नंबर अद्भुत किस्म का, मज़ा आता है देख के। तो दोस्तों हो चुके हैं तैयारी पूरे तरीके से ऑफिस जाने के लिए। और अन्नू जी को भी हम लोग फिलहाल जाएंगे आज घर छोड़ते हुए। अन्नू का मन तो था नहीं उठने का अन्नू, लेकिन फिर भी अन्नू उठा, अन्नू ने कुर्बानी दी। अन्नू देख भी नहीं रहा इधर देखे। अच्छा तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:39 और अभी अपन लोग आ चुके हैं राइट नाउ जस्ट अभी अपने ऑफिस से घर की तरफ। और इन लोगों में से थोड़ी थोड़ी सी बदबू आते हुए, लेकिन ये दोनों लोग बहुत अच्छे रहे। बुन्नू बेटा अभी बाबू भी आया है बाहर से, तो फिलहाल ये चढ़ गए हैं मोटी जी के ऊपर हमारी, क्योंकि शायद से इसे थोड़ा थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से इतना नहीं करते। तो मुझे इन्होंने छोड़ दिया है, मुझे इन्होंने छोड़ दिया कि जाओ बेटा तुम व्लॉग बनाओ, हम तो इनसे मुलाकात करेंगे। और अभी देख लो जूते भी नहीं उतरे और आते सबसे पहले जरूरी काम अपना व्लॉगिंग का है, तो सबसे पहले वो करेंगे। मेला मैं दू, अभी देखो मैं बैठूंगा ना तो आ जाएगी मेरे पास। मेले पास कौन आएगा सबसे पहले? मैगी आएगी। अबे मुंह पे हाथ मत मारना कोई सा भी। सबसे पहले कौन आएगा बोला था? ये तो दोनों एक साथ आ गए। लैपटॉप तो नहीं था ना? नहीं। किसका बेटा बुन्नू है ये? अच्छा बीरो, ये किसका बुन्नू है? हाँ किसका बेटा बुन्नू है ये? इतना बाल अच्छा है, आजा 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 मेरा बेटा आजा। हाँ आजा ऐसे शाबाश। तो ये बहुत अजीब और गरीब तरीके की व्लॉगिंग देख रहे हो आप लोग, पता नहीं कैसा आपको लग रहा होगा। ये देखो ये मोहब्बत है, मोहब्बत दोस्तों, ये मोहब्बत है बहुत करने वाली, देख रहे हो। मेरी कुत्ती, मेरी छोटी सी कुत्ती है। मेला बुन्नू का हाथ खाएगा क्या? बिल्कुल मेला बेटो को हाथ खाना होता है। तो आज सुबह सुबह दरअसल बुन्नू से सही से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो कहीं ना कहीं उसका भी ये नतीजा है ना बुन्नू? सुबह नहीं मिले थे ना, आज सुबह मेरे साथ नहीं सो पाया था ना थोड़ी देर के लिए रोज की तरह, है ना बुन्नू? ए लड़के लड़के लौंडे सुनता नहीं है। और हीरो हीरा लाल हीरो हीरा लाल हीरो हीरा लाल मेला हीरो है, मेला हीरो है, मेला गेट के पीछे मेला हीरो है। ये याद करता है पूरे दिन ना, फिर पाली भी करनी होती है ना, पाली चाहिए होती है ना मैगू को, है ना भैया? मैं ना अभी से पंजे लेकर आई हूँ, कलेजी लेने के लिए। मेले मैगू को पाली चाहिए होती है ना, मेले बेटे को मैगू को, है ना? तो गाइस हमारे यहाँ लग चुके खंबे में आग, और आज के व्लॉग में पता नहीं है क्या ही। ये देखो यहाँ हमारे ब्लास्ट वहाँ की लाइट गई। ए चुप हो, इन चुप ना बेटा, नहीं बेटा नहीं। तो दोस्तों बिजली का खंबा फूक चुका है पूरी तरीके से, और फिलहाल छोटी छोटी सी इसमें से अभी भी लपटें निकल रही हैं, शायद से तारे वगैरह पिघल रही हैं, उसकी वजह से इस तरीके का माहौल है यहाँ पे। और भाई मेरे को तो देख के बड़ा डर सा लगा, पता नहीं क्या ही माहौल बना, बिल्कुल हमारे घर के पास ही है ये सामने ही। तो गाइस अब आज एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल दहला देने वाली थी। वो तो हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस था तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता लगा, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं उनकी तो हड्डी हिल जाती होगी ऐसे टाइम पे। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, वैसे हमारे यहाँ पर जो बिजली आती है वो BSES की आती है, तो हमारे यहाँ पर लोग वैसे चौकस हैं, जैसे भी इस तरह का कोई भी हादसा होता है तो वो लोग क्या करते हैं फटाफट से कंप्लेंट कर देते हैं, ताकि इस हादसे को ज़्यादा बड़ा ना होने दें,
तो चौकस रहिए आप भी। अगर आप लोगों के पास अपने बिजली विभाग के नंबर नहीं है तो आज ही गूगल से निकाल लीजिए और कोशिश करिए कि किसी भी तरह के इस तरह के हादसा अगर होता है तो फटाक से उनको इन्फॉर्म करें ताकि जल्द से जल्द चीज़ों को काबू किया जा सके। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग तो जा रहे हैं सोने के लिए, मैगी भी आ चुकी है, हम लोग फिलहाल तैयारी कर रहे हैं सोने की, खाना वाना खा लिया हमने, थक हार गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा और मैं एक बहुत ज़्यादा चीज़ से जूझ रहा हूँ यार। आईफोन का ग्लिच है या शायद से यूट्यूब का ग्लिच है मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी वीडियो को रेंडर कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ 4K में, बट लेकिन जब अपलोड कर रहा हूँ तो वो जा रही है सिर्फ 1080 पिक्सल पर। तो उसका क्या रीज़न है, क्या मेजर रीज़न है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो बताना। मैं इस टाइम दो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, एक तो मैं काइन मास्टर यूज़ करता हूँ, दूसरा मैं यूज़ कर रहा हूँ इनशॉट, दोनों ही फ्री हैं फिलहाल आईफोन के लिए। और आज फाइनली ये वाला जो आप ब्लॉग देख रहे हैं ये मैं डालने वाला हूँ VN एप्लीकेशन से, तो देखते हैं कैसा रहेगा रिस्पॉन्स, अगर बढ़िया रहा तो VN इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो फिर भैया देखते हैं क्या ही होता है। वैसे आईफोन लिया था क्वालिटी अच्छी करने के लिए, या तो क्वालिटी अब बुरी होती जा रही है। तो करते हैं इस ब्लॉग के यहीं पर एंड, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके तो मिलते हैं गाइस जल्दी में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करिए भाई जिससे आपको खुशी मिले। बाय, गुड नाइट।